जोजो किड्स। लालची खरगोश। एक जंगल में तीन खरगोश के बच्चे रहते थे। तीनों भाई थे। उनकी माँ बहुत अच्छी थी और उन्हें हमेशा अच्छी ही बातें सिखाती थी। माँ रोज उन तीनों को एक एक टमाटर और गाजर देकर जाती। माँ के काम पर जाने के बाद वो तीनों दिन भर पास के खेतों में खेलते रहते। आओ सब मुझे पकड़ो, मैं सबसे तेज भागता हूँ, तुम मुझे पकड़ नहीं पाओगे। मैं तुमसे तेज भागता हूँ, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे। आओ देखते हैं, करोगे मेरे साथ रेस? हाँ चलो भागते हैं। दोनों खरगोश भागने लगते हैं। तीसरा खरगोश अपनी टोकरी की तरफ देखता है जिसमें माँ ने खाना भेजा है। अरे भाइयों आओ खाना खाते हैं, मुझे तो बहुत भूख लगी है। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सुनो आ जाओ वापस, रेस बाद में लगा लेना, बहुत भूख लगी है। दोनों भाई खेलने में मस्त थे इसीलिए उन्होंने किसी की आवाज नहीं सुनी। तीसरा खरगोश एक टमाटर उठाकर खा लेता है। थोड़ी देर बाद फिर से उसे टमाटर खाने का दिल करता है, फिर से वह एक टमाटर खा लेता है। ऐसा करते करते वह तीनों टमाटर खा लेता है। थोड़ी देर बाद दोनों भाई वापस आ जाते हैं। देखा मैं जीत गया, मैंने कहा था ना तुमसे कि मैं जीत जाऊंगा, मैं बहुत तेज भागता हूँ। अभी खाना खाकर फिर से एक साथ दोबारा रेस लगाएंगे, बताओ क्या इरादा है? तीनों भाई बैठकर खाना शुरू करते हैं। और टोकरी में टमाटर नहीं है, लगता है माँ टमाटर देना भूल गई। अगले दिन भी तीसरे खरगोश ने ऐसा ही किया, वह तीनों टमाटर फिर से खा गया। पर उस दिन दूसरे खरगोश ने माँ से पूछा, माँ क्या बात है, आजकल आप खाने में टमाटर नहीं भेजती हो। क्या मैं नहीं देती? अच्छा पर ऐसा नहीं है, मैं तो तुम्हें रोज टमाटर देती हूँ। माँ समझ गई थी कि कोई ना कोई टमाटर जरूर खा लेता है। देख लेना कल ऐसा खाना भेजूंगी जिसे तुम तीनों खुश होकर खाओगे। माँ वो क्या है जो आप कल हमें देंगी? पता नहीं वो चीज मुझे पसंद आएगी या नहीं, आप अभी बता दीजिए। माँ समझ गई कि यही वो टमाटर खाता है। माँ ने उसे अपने पास बिठाया और कहा, बेटा हमें अपने भाइयों का हक नहीं मारना चाहिए। बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें अगर ज्यादा टमाटर खाने हैं तो तुम मुझे कहो, तुम्हें अपने भाइयों का खाना नहीं खाना चाहिए था। मैं समझ गया माँ, मुझे माफ कर दो। और इस तरह माँ ने बच्चों को एक और नई शिक्षा सिखाई कि खाना हमेशा बांट कर ही खाते हैं। बत्तख के सोने के अंडे। धनिया एक मछुआरा था, वह रोज मछलियाँ पकड़ता और अपना गुजारा करता। एक दिन मछलियाँ पकड़ते हुए उसने देखा कि एक बत्तख बहुत परेशान है। तुम मुझे काफी उदास और परेशान लग रही हो, भला क्या बात है? हाँ मैं परेशान हूँ और इसका कारण तुम हो। क्या मैं? हाँ तुम रोज यहाँ आते हो, मछलियाँ पकड़ कर ले जाते हो, कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं देते। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, मगर तुम सारा ध्यान मछलियों पर रखते हो। मुझे लगता है तुम बहुत मतलबी हो, तुम्हें इन्हें मार कर बेचना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें उससे धन मिलता है, तुम्हें दोस्त बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं। ऐसा नहीं है, तुम अगर सच में मुझसे दोस्ती करना चाहती हो तो मुझे तुम्हारी दोस्ती मंजूर है। अरे तुम तो मुझे बड़ी प्यारी लगती हो, पर क्या करूं, मेरे पास धन नहीं है और पैसे कमाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ता है। बत्तख मुस्कुराती है और धनिया के साथ दोस्ती कर लेती है। अगले दिन धनिया फिर दोबारा मछलियाँ पकड़ने आता है। उस दिन वो बहुत परेशान था। क्या हुआ, आज तो तुम बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ मैं परेशान हूँ, मेरी माँ बहुत बीमार है और जानती हो मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मगर मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं। इतने कम पैसों में मैं घर चलाऊं, शादी करूं या अपनी माँ की दवाई लाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लो, बत्तख के पास बड़े बड़े दो सोने के अंडे थे, उसने वो अंडे धनिया को दे दिए। अरे ये क्या, सोने के अंडे, ये तुम्हारे पास कैसे आए? ये मेरे अंडे हैं, क्या तुम जानते हो मेरे पास हर साल
कई सोने के अंडे होते हैं जो मैं जब चाहूं जिसे चाहूं दे सकती हूं। और फिर अभी कल ही तो हम दोस्त बने हैं, तुमने अपनी दोस्ती निभाई अपने दिल की बात मुझे कहकर। इसी तरह मैं भी अपनी दोस्ती निभा रही हूँ तुम्हारी मदद करके। ये अंडे तुम्हारे बहुत काम आएंगे। मैं ये अंडे नहीं ले सकता, मैं दोस्ती को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम गलत कह रहे हो, तुम एक दोस्त से बात कर रहे हो और इसमें मदद कैसी? तुम भी तो मेरी कितनी मदद करते हो। मैं पानी से बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए तुम रोज मुझसे मिलने आते हो। आते हो ना? हाँ, आता तो हूँ। तो फिर हम दोनों दोस्त हुए। जाओ ये अंडे ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ और अपनी बहन की अच्छे से शादी करना। मगर याद रहे, कल मुझसे मिलने आना ना भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा, तुम आज तक की मेरी